अस्सलाम वालेकुम माय सेल्फ अहमद सरवर एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर थ्री ऑफ इंट्रोडक्शन टू डॉकर सो टुडे वी विल सी मेथड नंबर ऑफ कंटेनराइजिंग अ कंसोल एप्लीकेशन सो अवर फर्स्ट स्टेप विल बी क्रिएटिंग अ कंसोल ऐप लेट्स आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी हाउ वी कैन डू दैट सो हेर वी आर ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं वील्ड स्टूडियो हमारा ओपन है और यहाँ पे आपको कंसोल ऐप की ऑप्शन मिल जाएगी इस पर क्लिक करें क्लिक नेक्स्ट यहाँ पे हम अपनी कंसोल ऐप को नाम देंगे मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डॉकर ऐप देन इसको मैं कर दूंगा नेक्स्ट एंड देन क्रिएट इट सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंसोल ऐप बन चुकी है इसको एक दफा रन करके भी हम चेक कर लेते हैं हेलो वर्ड ये बिल्कुल फाइन रन हो रही है ऐसा करते हैं कि इसकी थोड़ी सी लॉजिक को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं जो कि उसके लूप के आइट्रेटर को प्रिंट कर रही होगी सो so, इसको भी एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं so, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीरो टू नाइन प्रिंट हो रहा है सो अवर कंसोल ऐप इज फाइन सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप सो वन नेक्स्ट स्टेप विल बी पब्लिशिंग द ऐप लेट्स सी हाउ वी कैन डू डाइट राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम हेयर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी पब्लिश की इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन यहाँ पे फोल्डर में हमने पब्लिश करना है देन क्लिक ऑन नेक्स्ट हम एक लोकल फोल्डर में पब्लिश करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपके जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर बिन के अंदर रिलीज एंड डॉट निक्स और पब्लिश के अंदर जाके हम ये तमाम बाइनरीज को हमारे इस प्रोजेक्ट की तमाम बाइनरीज़ को ये पब्लिश कर देगा देन क्लिक ऑन फिनिश एंड देन क्लिक ऑन क्लोज एंड हेयर यू कैन सी पब्लिश बटन क्लिक ऑन इट हेयर यू कैन सी कि हमारा प्रोजेक्ट पब्लिश हो रहा है और ये पब्लिश हो चुका है पब्लिश सक्सीड आप इस फोल्डर में जाके देख भी सकते हैं कि आपकी तमाम बाइनरीज जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं सो लेट्स एक्सप्लोर इट ओपन इन फाइल एक्सप्लोर गो टू बिन रिलीज एंड पब्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डॉकर ऐप जो है उसकी तमाम बाइनरीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है सो so, हमारी ऐप इस टाइम पब्लिश हो चुकी है लेट्स मूव टू व नेक्स्ट स्टोर नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रिएटिंग डॉकर इमेज सो लेट सी हाउ कैन डू दैट सो डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए हमें पहले यहाँ पे एक एक्सटेंशन लेस डॉकर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी सो वी विल गो टू ऐड एंड देन क्लिक ऑन न्यू आइटम और यहाँ से हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल को ढूंढेंगे ये टेक्स्ट फाइल है हमारी इसको हम नेम देंगे डॉकर फाइल का मेक श्योर sure कि आपका डी बढ़ाओ और बाकी तमाम लेटर्स छोटे क्लिक ऑन एड चल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इसके साथ एक्सटेंशन आ रही है तो हम इस एक्सटेंशन को हटा देंगे हम यहाँ से करेंगे एंड देन वी विल रिमूव दिस एक्सटेंशन क्लिक ऑन यस ओके सो वी आर गुड टू गो ओके तो अब हम देखते हैं कि हमें अपनी डॉक्कर फाइल के अंदर लिखना क्या है सो बेसिकली डॉकर फाइल के अंदर हम सबसे पहले ऐड करते हैं एक बेस इमेज सो वी विल राइट फ्रॉम एंड देन वी विल ऐड दिस लिंक बेसिकली ये लिंक जो है ये हमारी बेस इमेज का है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोजटरी में मौजूद है जब हम अपनी इमेज को क्रिएट करेंगे तो ये बेस इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और हमारी जो डॉकर uh, की इस कंसोल ऐप की इमेज होगी उसको एक बेस प्रोवाइड करेगी सो नेक्स्ट थिंग इज कॉपी सो so, हम क्या करेंगे कि हम अपनी जितनी भी हमने बाइनरीज पब्लिश की हैं हम उनको कॉपी कर रहे होंगे हम उनको किस तरह कॉपी करेंगे हम यहाँ पे कॉपी कमांड लिखेंगे एंड देन वी हैव टू एंटर द पाथ सो बेसिकली हम पाथ कहाँ से कॉपी करेंगे हम पाथ यही वाला ही कॉपी करेंगे यहाँ से हम पाथ हमने पाथ कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे इस डॉक्कर ऐप के अंदर सो so, हमें इससे पीछे वाला तमाम जो पाथ है वो नहीं रिक्वायर्ड सिर्फ हम बिन से स्टार्ट करेंगे मेक श्योर sure के आपकी ये जो स्लैशेस हैं ये फॉरवर्ड स्लैश हो क्योंकि हम अपनी जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं वो लाइन वाली इमेज है सो so, हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देंगे एंड देन लास्टली विल एड अ डॉट मीन्स टू से हमारी जितनी भी बाइंड्रीज हैं उनको यहाँ से कॉपी करो और हमारी जो इमेज बन रही होगी उसके उसका जो मेन फोल्डर है मेन जो उसकी डायरेक्टरी है हमारी इमेज के अंदर उसके अंदर पेस्ट कर दो देन वी विल एंटर ए एंट्री पॉइंट मीन्स एंट्री पॉइंट का ये मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट के जहाँ से हमारी एप्लीकेशन रन होती है सो विल एट एंट्री पॉइंट एंड देन स्क्र ब्रैकेट यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारी एप्लीकेशन है कौन सी हमारी डॉट नेट एप्लीकेशन है सो वी विल राइट डॉट नेट एंड सेकेंडली वी विल एंटर द एंट्री पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पब्लिश हमारी बाइनरीज थी उसके अंदर हमारे पास ई एक् जी भी फाइल डॉट ई एक् जी फाइल भी थी और डॉट डी एल एल भी थी अब अगर हमारा जो इमेज होगी जो कंटेनर होगा वो विंडोज़ वाला होगा तो हम डॉट ई ए जी को यूज़ करेंगे अदरवाइज़ अगर हमारा लाइनेक्स वाला है तो हम डॉट डी एल एल को यूज़ करेंगे क्योंकि लाइनेक्स के अंदर डॉट ई एक् जी फाइल नहीं चलती सो so, हमारा एंट्री पॉइंट होगा डॉ डॉकर एप डॉट डी एल एल सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी विल पेस्ट इट हेयर सो अब हमारी जो डॉकर फाइल है वो बिल्कुल रेडी है सो लेट्स क्रिएट डॉकर इमेज ओके सो टू क्रिएट द डॉकर इमेज आप अपने वील्स स्टूडियो का बेशक टर्मिनल ओपन कर लें या अगर आपने सी एम डी में रन करनी है आप सी एम डी में कर लें या अगर आपने पावर शेल में करनी है तो आप पावर शेल में कर लें सो so, मैं यूज़ करने वाला हूँ व्हील स्टूडियो का टर्मिनल सो आई विल ओपन द टर्मिनल एंड देन इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फोल्डर का पाथ ऑलमोस्ट सेट है मैं अपना मेन फोल्डर का पाथ सेट कर देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो मेरा पाथ है Uh, ये बिल्कुल वही बात है जहाँ जो कि यहाँ पे मेरा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में शो हो रहा है मींस uh, इस फोल्डर के अंदर ही मेरी डॉकर फाइल मौजूद है सो so, यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा डॉकर बिल्ड एंड देन डैश टी डैश टी के बाद मैं अपनी इमेज का नाम बताऊँगा जो कि मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ सो so, आपकी इमेज का नाम जो है वो सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए सो आई विल राइट द नेम ऑफ इमेज लाइक आई ए फर्स्ट इमेज एंड देन इसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे मेरे जो डोकर डोकर इमेज मैंने बिल्ड करनी है उसके लिए मुझे डोकर फाइल जो है वो कहाँ से मिलेगी सो so बेसिकली मेरी डोकर फाइल इसी फोल्डर में है जो जिसका मैंने पाथ सेट किया हुआ है सो आई विल राइट द डॉट के मीन्स इसी फोल्डर से आपको डोकर फाइल मिल जाएगी एंड देन आई विल क्लिक एंटर सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो डोकर इमेज है वो बिल्ड हो चुकी है सो so, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं अपने डोकर डेस्कटॉप में जाके सो so, ये देख लें यहाँ पे माई फर्स्ट इमेज हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है सो लेट सी यू कैन रन इट यहाँ पे हम आएंगे वापस यहाँ पे अब हम लिखेंगे डॉकर रन और हम अपनी इमेज का नाम देंगे हमारी इमेज का नाम क्या था माई फर्स्ट इमेज एंड देन क्लिक एंटर सो हैज यू कैन सी कि हमारा जो एप्लीकेशन थी ये देखें ये जिस तरह के हमने पहले भी रन करके चेक किया ये हमारी जो लूप थी उसके आइट्रेटर को ही प्रिंट कर रही थी तो यहाँ पे जीरो से नाइन तक बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुआ जिस तरह के हमारे प्रोजेक्ट को रन करने में प्रिंट हुआ था सो so बेसिकली हुआ क्या हमारी जो इमेज थी हमारी इमेज के अगेंस्ट एक कंटेनर क्रिएट हुआ लेट मी शो यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज थी माई फर्स्ट इमेज इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये कंटेनर क्रिएट हुआ है ये देखें ये यूज कर रहा है माई फर्स्ट इमेज को तो ये कंटेनर क्रिएट हुआ एंड देन ये रन हुआ और हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ वी कैन कंटेनराइज अवर ए एस पी डॉट नेट कंसोल एप्लीकेशन विद एन अदर मैथड सो थैंक यू